आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं, और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने सारी, इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे सातों जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी 54 भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी, तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया, और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं, और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है, लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे।